क्या दोस्तों आप भी WhatsApp के स्टेटस पर GIF लगाना चाहते हैं? क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा यानी कि एक सेकंड का जो क्लिप होता है जिसे हम GIF बोलते हैं या GIF बोलते हैं, उसे आप किस तरीके से अपने WhatsApp के स्टेटस पे लगा सकते हैं? अगर ये वीडियो आप पूरा देख लोगे तो आप सिंपल तरीके से उसे लगा लोगे। अगर आप WhatsApp स्टेटस लगाते हैं तो ये तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी कमाल का फीचर है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा यदि आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में ये लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय के बाद वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, अगर आपकी मदद करे, तो आपको एक लाइक ठोंक देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने WhatsApp में। WhatsApp में आने के बाद यहाँ स्टेटस पे हमने क्लिक कर लिया। स्टेटस पे क्लिक किया, नीचे की तरफ कैमरे का आइकन के पास में पेंसिल का आइकन है, उस पर क्लिक करना है। इस तरीके से ये देखो खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पर एक टी है, टी के पास में ये देखो टी है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये देखो एक लोगो सो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे लोगो पर टैप करेंगे तो इस तरीके से ये देखो आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो बहुत सारे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जस्ट नीचे मिलेगा आपको GIF, इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे यहाँ ढेर सारे GIF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पसंद का कैसे चूज करना है, यहाँ सर्च का आइकन मिलेगा आपको, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप किस तरीके का लाना है, जैसे आप सक्सेस यहाँ पे इस तरीके से करेंगे सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये देखो सक्सेस के आने लगे, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमें चाहिए ये वाला, तो इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे इस तरीके से मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, जो भी देखेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो ऐसे करके, ठीक है, क्या करेगा इस तरीके से, ये देखो, ठीक, ये देखो हमने लगाया है। आपको भी इस तरीके से लगा लेना होगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक। बिल्कुल आसान तरीका है, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी अच्छा आपको ये फीचर लगा होगा। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।